को तुरंत निरस्त करके जांच का आदेश दिया है। साथ ही युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने पेपर लीक की घटना को राष्ट्रीय पाप कहा है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं उसी लोगों को खिलाफ। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए। हालांकि विपक्ष को इसमें भी सियासत ही दिख रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जनता को और बेरोजगारों को आपके भाषण की नहीं, आपके एक्शन की आवश्यकता है। भाषण तो आप और मोदी जी बहुत दे लेते हैं। 18 भर्ती परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो चुका है और आप अब भी भाषण दे रहे हैं। 80 लाख और 50 लाख 1,30,00,000 बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है और आप सिर्फ भाषण से काम चला रहे हैं। एक महीने के अंदर परीक्षाएं दोबारा कराइए पुलिस भर्ती, वरना माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम भी नहीं है और वो चाहती भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है पेपर लीक कराने में मास्टर है। पहले वो परीक्षाएं जारी करती है, फिर उसके बाद पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक होने के बाद युवाओं को नौकरी जीरो मिलती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का युवाओं को नौकरी ना देने का ये एक प्रपंच है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीएम योगी को इतने सख्त लहजे में देखा गया हो। इससे पहले भी माफिया को लेकर उनका बयान सामने आया था। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर न तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कह रहा है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बहरहाल एक बार फिर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। उम्मीद है जिस तरह माफिया को सीएम योगी ने नाकों चने चबवा दिए थे, इस बार नकल माफिया का भी वही हश्र होने वाला है। जिस तरह माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया, जिस तरह माफिया पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, उसी तरह नकल माफिया भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। टीम न्यूज